अनुरेणु में संक्रमित होने वाला युग। यह नाम किसी परिचय के मोहताज का नहीं है। जिस नाम को देश और दुनिया जानती हो उसका नए सिरे से मैं आप लोगों को क्या परिचय करा। परंतु रणसुधीर जी, आज जो आपने ये सारा कराया है, ये सारा आयोजन रणसुधीर जी का है। मैं सिर्फ आयोजक संस्था हिंदी परिषद है, लेकिन सारी कल्पना उन्हीं की है। मैं सर्वप्रथम रणसुधीर जी आपके प्रति बेहद कृतज्ञ हूं कि काश हमारे भीतर आपके शिक्षक का एक अंश आ जाता, कि एक शिक्षक अपनी 7 पुस्तकों का प्रकाशन अपने 7 विद्यार्थियों के द्वारा करवाता। क्या कमिटमेंट होती है। मैंने जब उनको पूछा कि इसका प्रकाशन कौन करेगा, वो बोले बाहर से कोई नहीं आएगा, मैं अपने विद्यार्थियों से करवाना चाहता। शाजिंद्र जी, ये उदाहरण बहुत दुर्लभ उदाहरण है कि गुरु के 7 पुस्तकों का प्रकाशन 7 शिष्य कर रहे। अद्भुत क्षण है ये हमारे लिए, ये अविस्मरणीय क्षण है, और ये क्षण हमारे जीवन की कुल जमा पूंजी है। रणसुधीर जी ने आजीवन विद्यार्थियों के लिए काम किया। मैं जब भी उनकी ओर देखता हूं, कितने सारे आयाम उनके व्यक्तित्व के हैं, कितने सारे पहलू उनके व्यक्तित्व के हैं। व्यक्ति रणसुभे, प्राध्यापक रणसुभे, मार्गदर्शक रणसुभे, लेखक रणसुभे, संपादक रणसुभे, हम सबके पालक रणसुभे, कितनी भूमिका है। और इन सारी भूमिकाओं में इस एक ऐसे व्यक्ति ने हमें खड़ा किया है। रणसुभे जी, आप नहीं जानते कि आपने क्या किया है, पर हम जानते हैं कि आपने क्या किया है। हम जानते हैं कि आपने जो किया है वह कई पीढ़ी तो पीढ़ियों तक आगे जाएगा, कई पीढ़ियों तक संक्रमित हो जाएगा। यह ऊर्जा रुकने वाली नहीं है, यह ऊर्जा निरंतर आगे कारवा बनकर, रमा जी कारवा बनकर आगे निकलेगी और एक लंबा चलेगा सफर। रणसुभे जी संगठक है, रणसुभे जी कुशल मार्गदर्शक है। आज लातूर में 2 संस्थाएं काम करती है। महाराष्ट्र का ऐसा अकेला उदाहरण होगा शाहजिंदे जी कि महाराष्ट्र में हिंदी के लिए इतनी ताकत के साथ, इतनी पुरजोर क्षमता के साथ अकादमिक गतिविधियों को आगे ले जाने का काम ये 2 संस्थाएं कर रही हैं। और मुझे लगता है रणसुभे जी, ये ज्योति आपने ही जलाई, आप ही इसकी नींव रहे हैं, और जिसकी नींव मजबूत होती है तो उसको कोई नहीं हिला सकता। जिसकी नींव पुख्ता होती है वह निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। रणसुभे जी ने हम लोगों को दिशा दी। एक समय ऐसा था कि हम सारे अक्षर शत्रु थे। अक्षर शत्रु समाज को रणसुभे जी ने अक्षर मैत्री में परिवर्तित किया। शब्दों के साथ आपने हमें जोड़ा, साहित्य के साथ आपने हमें जोड़ा, संस्कृति के साथ आपने जोड़ा, मानवता के साथ आपने हमें जोड़ा। आपके चिंतन का सारा केंद्र बिंदु मनुष्य रहा, सामान्य मनुष्य रहा है, साधारण मनुष्य रहा है, हारा हुआ मनुष्य रहा है, दबा हुआ मनुष्य रहा है। और उन्हीं की वकालत आप जीवन भर करते रहे, उन्हीं के लिए आप लिखते रहे हैं, उन्हीं के लिए आप बोलते रहे हैं, उन्हीं के लिए आप करते रहे हैं। मित्रों, पूरी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूंगा कि उनकी जो वक्तृता है, मैंने आज तक उनके वक्तव्य में एक भी मुद्दा रिपीट नहीं सुना। ऐसा हो सकता है 25 साल से उनको सुन रहे हैं, 25 साल से, 25 साल में एक बार भी मैंने रिपीट करते हुए नहीं देखा, नहीं सुना। क्या ताकत है इस व्यक्ति के भीतर छिपे हुए वक्ता की, अध्यता की, चिंतक की, कि वह ताकत हमें प्रेरणा देती है, हमें ऊर्जा देती है। रणसुभे जी, इतने जो लोग यहां बैठे हुए हैं उन सब के लिए आप पावर स्टेशन है, और ये पावर स्टेशन निरंतर हम लोगों को आगे बढ़ने का विश्वास देता है।
मित्रों, रणसुभे जी ने जीवन भर देने का काम किया। आज का यह कार्यक्रम मैंने कहा परिषद करेगी, उन्होंने कहा आज के इस कार्यक्रम में परिषद एक नया पैसा खर्च नहीं करेगी। वहां सूची में रणसुभे जी का नाम नंबर एक पर है। इस परिषद को दान देने में, परिषद को खड़ा करने में रणसुभे जी ने तन मन धन से सब कुछ दिया। और मुझे याद है रणसुभे जी, आप ही के कारण हम कमलेश्वर जी को मिल सके, आप ही के कारण हम कात्यायनी जी को मिल सके, आप ही के कारण हम राजेंद्र यादव जी से मिल सके, आप ही के कारण हम डॉक्टर विजय बहादुर सिंह जी से मिल सके, आप ही के कारण हम देश के दिग्गज साहित्यकारों से मिल सके। मैं आज क्या क्या कहूं और क्या कृतज्ञता व्यक्त करूं आपके बारे में। इतना कुछ हमें आपने दिया है और आज इस क्षण में भी आप देने के लिए ही उपस्थित हैं। उन्होंने मुझे सख्त कहा था मेरा कोई स्वागत नहीं होगा, लेकिन रणसुभे जी ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे दिलों में आप बसे हुए हैं। सच कहूं आपके प्यार में पड़ गया, और जब पहली बार आपको सुना तब से प्यार में पड़े हुए हैं। आपने तो हमें कब का जीत लिया है, देश के विद्वानों को जीत लिया है, साहित्य संस्कृति के ठेकेदारों को जीत लिया है। आपकी जीत में उस व्यक्ति की जीत है जो प्रतिकूलताओं से लड़ते हुए अपनी पहचान बनाता है, प्रतिकूलताओं से संघर्ष करते हुए अपनी एक नई छवि निर्माण करता है, और वह समीक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में उनके भीतर का कार्यकर्ता निरंतर छटपटाता है, एक कार्यकर्ता भी है। इन सारे पहलुओं को जब भी मैं देखता हूं तो अनुभव करता हूं कि यहां बैठे हुए आज जो हम इतने लोग, रणसुभे जी आपके कारण आज अमीर बन गए, हम आज अमीर बन गए हैं, हम गरीब नहीं रहे। आपकी ये बौद्धिक अमीरी आपने विरासत के रूप में हमें दी है, बता दें हमें कितनी ताकत है उसको संभालने की, कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आपने आज हम सबको अमीर बनाया और इस अमीरी पर फक्र है। अंतिम बात कहकर रोकूंगा, मोह ज्यादा है, कहने की के लिए बहुत सारी बातें हैं, पर अंतिम बात मैं आज कहना चाहूंगा, वो अंतिम कदाचित हो भी नहीं सकती, परंतु निश्चित एक बात आज कहना चाहूंगा। रणसुभे जी को जब भी हमने देखा है, पाया है, क्या पाया है, मैंने हमेशा रणसुभे जी में बुद्ध की करुणा पाई है, मैंने हमेशा रणसुभे जी में कबीर का अखड़ाना अंदाज देखा है, मैंने हमेशा रणसुभे जी में महात्मा फुले का सत्य शोधक विचार पाया है। मैंने जब भी रणसुभे जी को देखा है, अनुभव किया है, एक तपस्वी को पाया है, ज्ञान तपस्वी को पाया है। मैंने जब भी रणसुभे जी को देखा है, डॉक्टर आंबेडकर मुझे याद आते रहे हैं जो प्रज्ञा के लिए जाने जाते हैं, तो प्रज्ञा का गुण आप में हमने पाया है, शील और करुणा हमने आपसे पाई है, हमने पाया है छत्रपति शाहू जी महाराज का समतामूलक विचार जो आपके जीवन का आचार है, वह आपकी आपसे हमने पाया है। आज इस अवसर पर इन सारे महापुरुषों को भी नमन करते हुए और आपके सारे कार्यकर्तित्व को नमन करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा, यह छत्र छाया आजीवन हम पर रहे, आपका आशीर्वाद हम सबको हमेशा मिलता रहे, मार्गदर्शन आपका हमेशा मिलता रहे, शब्द छाया और निकष हमारे सिर के ऊपर का छत्र है, यह छत्र निरंतर हम पर बना रहे, ये विश्वास इस अवसर पर व्यक्त करता हूं। और इतना ही कहना चाहता हूं कि रणसुभे जी आपने हमें सुंदर बनाया, हमें सुंदर बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।